हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ओम और ओमी टेक्नोलॉजी चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बना के नहीं डाला। उसके पीछे कुछ रीजन था जिसके वजह से मैं वीडियो बना के नहीं डाल पाया। मैं ब्रेक पे था, दरअसल कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन दोस्तों, वैसा नहीं होगा, फिर से मैं वापस आ गया हूँ और कंटिन्यू आपको इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना और पीएफ से और यूट्यूब से संबंधित। जो भी हमारा जो जिस भी प्रकार के मैं वीडियो बनाता हूँ, कंटिन्यू आपको लेटेस्ट समय टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2000 रुपये की किस्त मिलती थी। एक किस्त आपको मिलती थी 2000 रुपये की, यानी कि साल भर के अंदर में आपको 6000 रुपये मिलती थी, यानी दो दो हजार रुपये की तीन किस्तें मिलती थी, दो दो चार दो छः, 6000 रुपये। लेकिन अब ये आपको 2000 की बजाय 4000 रुपये मिलेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही जानकारी आपको मिल रही है कि 2000 की बजाय आपको 4000 रुपये का पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिलने लगेगा। अब आपको 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपये मिलेगा। इस हिसाब से जो आपको एक साल के अंदर में 6000 रुपये दिया जाता था, वो 6000 रुपये न होके एक साल के अंदर में अब आपको वही 12000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि हो गया ना दुगना। अब देखिए, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 15 अगस्त के दिन पे दिल्ली के लाल किले में खड़े होकर एक भाषण दिया, जो किसानों के प्रति जो उनका भाषण था, उन्होंने लिखा है, सॉरी, उन्होंने बोला है कि छोटे किसान देश की शान। उन्होंने सबसे महत्व दिया है छोटे किसानों को, और उन्होंने बोला है कि जिन किसानों को दो दो हजार रुपए की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे किसान, यानी कि छोटे किसान, छोटे किसान ही क्या है, देश की शान है। उन्होंने इन्हीं छोटे किसान की छोटी छोटी परेशानियों के बारे में भी बताया है। आपने न्यूज़ में देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि छोटे छोटे ये जो किसान हैं, उनकी परेशानियों को भी अपने दृष्टिकोण में रखते हुए उन्होंने जो 2000 रुपये की किस्त हुआ करती थी, वो 2000 रुपये की किस्त को बढ़ा के 4000 रुपये की किस्त करने का भी फैसला नहीं किया है। उस पर विचार कर रहे हैं, कमेटी का गठन होगा, फैसला होगा, और हो सकता है तो आगे 2024 यानी कि अगला जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव तक, या मतलब कि 2024 तक आपको ये फैसला मिल जाएगा कि जितने भी किसान हैं जिन्हें 2000 रुपये मिल रहा है, 2000 रुपये नहीं, उनको अब 4000 रुपये मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये मुझे बहुत ही बड़ी अपडेट लग रही है। जो किसान हैं जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना का जो ये पाते हैं पैसा, उनके लिए बताइए, जो 2000 रुपये का किसान ऐसे भी हैं जो 2000 रुपये के लिए भी परेशान रहते हैं। सोचिए, बताइए कि उन किसानों को जब 4000 रुपये मिलने लगेगा, तो अपने खेती को और अच्छे तरीके, किसान सम्मान निधि योजना में आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। उस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी जहाँ भी आपका है ये रजिस्ट्रेशन की दुकान, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, या जो पटवारी होता है ना, लेखपाल पटवारी आपके यहाँ, उस पटवारी से मिल के भी आप करा सकते हैं। इस बहुत ही साधारण सा, बहुत ही नॉर्मल सा फार्मूला है, उसे अपना के आप इसको करा सकते हैं। जितना जल्दी करा लेंगे, उतने ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होने लगेगा, आपको इसका फायदा मिलने लगेगा। तो सरकार का पैसा है, बिल्कुल इसका फायदा उठाइए और अपने खेती में इस मतलब बढ़ाइए। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जो शासन ने दो दो हजार रुपये की दो दो हजार रुपये दे रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, तो उसमें अब बहुत ही बारीकी से जांच भी हो रहा है। अगर आप उस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए योग्य हैं तभी आपको मिलेगा, अगर आप योग्य नहीं हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और आपका पैसा अगर मान लीजिए आपको मिल भी गया है, तो भी लौटाना आपको पड़ सकता है। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खुशखबरी यही है कि पीएम साहब ने, यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में छोटे किसानों को प्राथमिकता दी है, और उन्होंने ये मतलब ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चल के जो 2000 रुपये है उसे 4000 रुपये में करने वाले हैं। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 6000 रुपये वार्षिक आय आपको मिलती थी, वही किसानों को अब 12000 रुपये मिलने लगेगी। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी है किसानों के लिए। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय